बच्चों की गुमशुदगी पर न्यूज वन इंडिया का बड़ा खुलासा। यूनिट टेस्ट में कई विषयों में फेल थे दोनों बच्चे। दौड़ते हुए स्कूल से बाहर जाते हुए बच्चे नजर आए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बाहर जाते हुए दिखाई दिए। जल्द होने वाली थी पेरेंट्स मीटिंग, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ी खबर सामने आई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो इसमें वो कुल मिलाकर ये मानी जा रही है कि शायद अपने एग्जाम को लेकर बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे, और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें भी दोनों बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद एक पेरेंट्स मीटिंग भी जल्द होने वाली थी। फेल होने के डर से खुद ही दोनों गायब हो गए, इस तरह का अंदेशा होने की खबर है। तो पुलिस इसी एंगल पर अब लगातार जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज प्रशासन को सौंप दिया है। शहर के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, ताकि ये पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोनों बच्चों को ट्रैक किया जा सके कि आखिर स्कूल से निकलने के बाद वो दोनों बच्चे कहां गए, किस ओर गए हैं, ताकि उन्हें तलाश करने में और आसानी हो सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये बड़ा खुलासा न्यूज वन इंडिया पर इस खबर से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं, जिसमें दोनों बच्चों को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि अपने दो जो स्कूल के उनके एग्जाम के कुछ सब्जेक्ट्स रहे हैं, जिसमें कम नंबर आने की वजह से दोनों ही बच्चे फेल के डर से घबरा गए। और अब ये माना जा रहा है कि उनको सीसीटीवी में दौड़ते हुए स्कूल से बाहर जाते हुए भी देखा गया है। अब फेल होने के डर से खुद ही गायब हो गए, ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है। ये कारण रहा अब तक जो तमाम चीजें इस पूरे मामले से जुड़कर सामने आ रही है, उससे यही अंदेशा लगाया जा सकता है। लेकिन अब दूसरे एंगल से भी क्या पुलिस प्रशासन जांच करेगी, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त पुलिस प्रशासन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन की जो प्राथमिकता में है, वो ये कि दोनों बच्चों को जल्द ढूंढा जाए, जिसके लिए शहर में हर जगह जो भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनके माध्यम से बच्चों को ढूंढने की कोशिश जारी है। हर सीसीटीवी को पुलिस प्रशासन खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, ताकि जो बच्चे हैं उनको जल्द ही ढूंढा जा सके। तो ये बड़ी खबर, खुद से गायब होने का अंदेशा, वो भी फेल होने के डर से बच्चे गायब हुए ये माना जा रहा है। सीसीटीवी में बच्चों को बाहर जाते हुए भी देखा गया, स्कूल में जो सीसीटीवी लगा है उसमें दोनों ही बच्चों को बाहर जाते हुए देखा गया है। तो न्यूज वन इंडिया पर बच्चों की गुमशुदगी को लेकर ये बड़ा खुलासा, ये बड़ी खबर आपको दे रखे हैं। हालांकि इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पुलिस प्रशासन क्या और कार्रवाई इसमें आगे करता है ये देखना होगा। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, इस पर भी देंगे पूरी जानकारी। दो छात्रों के लापता होने का मामला, और इस मामले में न्यूज वन इंडिया से बोले छात्र आर्यन के परिजन। स्कूल से बच्चा नहीं लौटा घर, छात्र की मां ने ये जानकारी दी। फेल होने से नहीं भागे बच्चे, ये भी छात्र की मां का कहना है। घटना के पीछे कोई और वजह लगती है, छात्र की मां का ये बड़ा बयान अब सामने आया है। न्यूज वन इंडिया पर तमाम जानकारी देते हुए छात्र की मां ने कहा है कि सिर्फ बच्चे के भागने की वजह फेल होने का डर नहीं हो सकता। देर शाम से गुमसुम था छात्र का भाई, ये कहता नजर आ रहा है। दोस्त नैतिक के कहने पर मेरा भाई बाहर गया, ये भी एक और जानकारी। अब देखिए, ये अपडेट इसमें आपको दे रखे हैं। देर शाम बच्चा गुमसुम था, यानी कि पहले से ही उसके मन में कोई बात थी, उसके दिमाग में कोई बात चल रही थी। और जो माँ है वो ये कह रही है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ फेल होने के डर से घर से भाग जाए ऐसा नहीं लगता, इसके पीछे कुछ और वजह होने की आशंका परिवारजनों की ओर से जताई जा रही है। परिजन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और उसी के साथ जो छात्र है, एक छात्र का भाई, ये भी कहता नजर आ रहा है कि उसके एक दोस्त के कहने पर वो घर से बाहर गया था। यानी कि अब इस पूरे मामले में एक और एंगल जो है उसके माध्यम से भी इस पूरी खबर को देखा जा रहा है, क्योंकि परिवारजन ये मानने को तैयार नहीं है। न्यूज वन इंडिया से बातचीत में छात्र आर्यन के परिजन ये कह रहे हैं कि स्कूल से बच्चा घर नहीं लौटा,
अब जब घर नहीं लौटा है तो घर वाले जरूर परेशान हुए क्योंकि बच्चा बहुत शांत स्वभाव का था, ये छात्र की मां कह रही है। दो छात्रों के लापता होने का मामला जिसमें एक बच्चे के परिजनों का बयान सामने आया है और आर्यन जिसका नाम है, आर्यन के परिजन ये कह रहे हैं कि बच्चा काफी गुमसुम था और अपने बच्चे के स्वभाव को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि काफी शांत स्वभाव का था बच्चा और फेल होना सिर्फ इसकी वजह नहीं हो सकती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, आपसे समझना चाहेंगे, पहले इस पूरे मामले में ये एंगल नजर आ रहा था कि शायद फेल होने के डर से या कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे ना आने के डर से जो दोनों बच्चे हैं वो गायब हो गए, लेकिन अब इसमें एक छात्र के परिजन ये कह रखे हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट में फेल होना भागने का कारण नहीं हो सकता, यानी कि परिजन ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और वजह सकती है। पीयूष, जरा पूरी जानकारी इस पर। बिल्कुल, देखिए वजह कई होंगी लेकिन अभी हम सीधे बातचीत करते हैं स्कूल की प्रिंसिपल, हमारे साथ हैं मोहिनी नेगी जी। मोहिनी जी, ये पूरा वाकया कब का है और किस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है? सर, ये कल टीचर्स डे था तो उसके लिए टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग हर साल क्या करते हैं, हाफ डे रखते हैं स्कूल बच्चों का, सभी का। तो हमने परसों ही पेरेंट्स को ये मैसेज दे दिया था कि हाफ डे है तो अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो है कन्वेंस जो भी है वो अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिए। तो कल 10:50 पर बड़े बच्चों की छुट्टी हुई सिक्स ऑनवर्ड्स और 10:40 तक जो है 1-5 तक के बच्चों की छुट्टी हुई। 10-10 मिनट का गैप है हमारे हर स्लॉट में। तो वो बच्चे जब छुट्टी हुई और हमारा गेट नंबर 2 ही जनरली यूज़ होता है, गेट नंबर 1 रेयर यूज़ होता है। यहाँ से जनरली वो आते हैं पेरेंट्स जिनको पता है डेली उनका बच्चा यहाँ खड़ा रहता है, यहाँ से इस गेट से उस गेट का वही गेट हमारा चलता है। तो वो बच्चे दोनों इस गेट से बड़े कन्वीनियंटली बाहर निकल करके गए, आराम से बाहर निकल करके गए। और वो जब यहाँ से बाहर चले गए उसके बाद, हाँ इस वाले गेट से, हमारे ये सिंगल गेट जो आप जहाँ से आप अभी है, इस गेट से ही सिंगल वाले गेट से गए हैं ये, हाँ ये हमारा हाँ हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसमें बल्कि हमारा सीसीटीवी कैमरा एक ये भी है, यहाँ से बिल्कुल साफ ये कैमरा ये लगा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे उधर से इधर से आए हैं और यहाँ से बाहर चले गए। इन दोनों ही कैमरों में बच्चों की तस्वीरें कैप्चर हैं, बल्कि 3 कैमरों में हैं। एक उधर से आते हुए भी है जहाँ से हमारा अंदर से चैनल गेट से बच्चा बाहर आता है, चैनल गेट से एंटर करते हुए, तो वहाँ स्ट्रेट ना जाते हुए बच्चे इधर को टर्न अप होकर के यहाँ से गेट आगे फ्रंट साइड में एक, बस यही 2 गेट हमारे जो है वो रहते हैं डेली खुले रहते हैं, बाकी हमारा ये गेट जनरली बच्चों के लिए खुला नहीं रहता, ये छोटे बच्चों का है। अच्छा, एक बात बताइए, ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि बच्चों के कुछ विषयों में कम नंबर थे, क्योंकि आप प्रधानाचार्य हैं तो इस विषय में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में कुछ कम नंबर थे इन बच्चों के? कम नंबर है, थोड़े वीक थे वो पढ़ने में दोनों बच्चों के। हाँ, दोनों के इस बार थोड़े से पिछले टेस्ट के कंपैरेटिवली थोड़े कम नंबर आए थे, तो उनको पहले से टेस्ट के मार्क्स दिखा दिए गए थे। तो अब ये बात अब खुल करके आ रही है कि उनके नंबर कम थे तो उनको प्रेशर रहा होगा या जो भी है। पीटीएम भी था कल, पीटीएम भी है, पीटीएम होने वाली है कल, कल हो पीटीएम, 7 तारीख को हमने पीटीएम रखी थी। तो बस हमें तो इस मामले में जब मदर ही अंदर आई है तो 11 बजे मैं खुद जो हूँ मैं उनको देखने के लिए, मैंने कहा अभी आ जाएंगे, अभी तो छुट्टी हुई है आसपास ही होंगे, बट जब बहुत देर तक उन्हें नहीं मिला फिर मुझे लगा यही मार्केट पास में है, बच्चे खाने पीने गए होंगे, मैंने कहा देख लीजिए एक बार, मार्केट की तरफ दिखवाया हमने भी और वो खुद भी गई तो नहीं थे बच्चे वहाँ तक। अभिभावकों से बातचीत हुई आपकी? अभिभावकों ने आप लोगों से क्या कहा, आप लोगों से क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैडम मेरा बच्चा बाहर नहीं आया, मतलब देखिए अंदर ही, उन्होंने आरोप लगाया अंदर ही होगा। हमने कहा अंदर नहीं है क्योंकि टीचर साथ में लेके आई है बच्चे को और उन्होंने बताया कि मेरे साथ साथ बच्चा सीढ़ियों से उतरा है, मैंने बाहर चैनल गेट के वहां तक उस बच्चे को छोड़ा है। तो फिर उनको थोड़ा लगा, बाद में हमने उन्हें सीसीटीवी की फुटेज दी और दिखाई भी कि बच्चे देखिए कैसे बाहर निकले हैं, तो पूरा उन्होंने देखा, फिर वो लोग चले गए
और गए तो उसके बाद में फिर पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने वहाँ कंप्लेंट की। प्रशासन के भी तमाम अधिकारी आए होंगे, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रशासन को दे दिया? उनको दे दिया है, हमने सब कुछ दे दिया है, इवन हर कैमरे का जहाँ जहाँ उन्होंने मांगा हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, बच्चों का स्वभाव कैसा था? क्योंकि आमतौर पे अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग स्वभाव के बच्चे होते हैं, कोई बच्चा शरारती होता है, कोई बच्चा शांत होता है, तो ऐसे में इन बच्चों का स्वभाव? इंट्रोवर्ट टाइप के नहीं थे, पढ़ाई छोड़ करके बाकी एक्सट्रोवर्ट थे, हर चीज में पार्टिसिपेट करते थे। में थोड़े कमजोर थे लेकिन उतने शरारती। हाँ, लेकिन पार्टिसिपेशन हर चीज में होता था, हाँ थोड़ा सा नेग्लिजेंस अपनी पढ़ाई की तरफ था, बाकी तो खेल में है, खेलने को बोलिए, मतलब गेम्स पीरियड है तो गेम्स में खेलने जा रहे हैं, म्यूजिक में है तो म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा बहनों के साथ हम सुन रहे हैं कि बहनों के साथ वो बच्चे आते थे और बहनों के साथ ही वो अपने बच्चे जाते थे बाहर, तो कल क्या स्थितियां बनी, क्या वो बहनों के साथ आए? और नहीं ले गए, वो अपनी बहनों को नहीं ले गए, ये भी एक फिर चिंता का विषय बना कि बहनें अंदर ही हैं और वो नहीं लेकर के गए दोनों बहनों को अपने। तो फिर उस एक बच्चे का, आर्यन के बड़े भाई ने तब अपने पापा को बताया कि वो बहन को भी नहीं लेके गया और यहाँ अंदर नहीं है, घर में नहीं, स्कूल में नहीं है, चला गया है। तब उसके पापा भी आए और मम्मी भी आई कि भाई, पहले तक उनका नहीं पता था कि आर्यन भी नहीं है, ये आर्यन नहीं है, ये तब बाद में पता चला जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी कि दो बच्चे गए हैं, दोनों गए। क्या स्कूल से कोई दबाव था, प्रेशर था बच्चों पे कि आपके कम नंबर आए तो हम आपको मारेंगे या हम आपके परिवार वालों से शिकायत करेंगे, माता पिता से शिकायत करेंगे? तो तब बताए जाते हैं, और कमी तो तब बताए जब पेरेंट्स अवेयर ना हो, पेरेंट्स भी अवेयर है कि वो वीक है, और टीचर का ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, इनफैक्ट टीचर ने तो अच्छे बच्चों के साथ उन्हें बिठाया था कि भाई ये भी काम कर लें और रेगुलर रहें पढ़ाई में, तो अच्छे बच्चों के साथ ही उन्हें बिठाया हुआ था, फिर वो डिस्टर्ब करते थे उन बच्चों को, तो अभी टीचर ने अलग अलग वर्गीकरण किया गया था कि अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे, ऐसे अच्छे बच्चे नहीं, मतलब एक ऐसा होता है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के साथ बैठते हैं। अच्छा, किसी के साथ? अच्छा, है ना, तो वो इंटरेस्ट के साथ ना बैठे, इन बच्चों के बेनिफिट के लिए बैठे, इसलिए अच्छे बच्चों को बिठाया गया कि इनकी हेल्प करें वो, यही क्लासेस है वो, यहाँ ऊपर क्लासेस है उनकी, आगे क्लासेस है, क्लासेस हमारी ये है, ये हमारी सभी क्लासेस ही हैं। अच्छा, और ये फुटेज लगे हुए हैं? ये सभी हैं, एक ये है जो इस तरफ का व्यू देता है, उधर से है जो चैनल गेट से आने का व्यू देता है, ये सामने वाला है जो गेट से बाहर जाने का देता है, गेट के बाहर निकल करके फिर एक और बाहर है, वो बाहर का व्यू देता है। ठीक है पीयूष, आपस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी भी आपसे लेंगे। और देखिए, न्यूज़ वन इंडिया ने प्रिंसिपल जो है स्कूल के, उनसे भी बातचीत की और समझा है कि जो बच्चे हैं वो किस तरह के थे, क्या उनका बर्ताव रहा है स्कूल में, उसको लेकर तमाम जानकारी भी ली गई है। और उसी के साथ ADCP नोएडा मनीष कुमार मिश्र ने क्या कहा है वो एक बार आपको दिखाएंगे। थाना सेक्टर 58 पर ये सूचना प्राप्त हुई कि खोड़ा के रहने वाले दो व्यक्ति थाने पर पहुंचे, जिनके द्वारा बताया गया कि वो खोड़ा के मूल निवासी हैं और उनके दोनों बच्चे, जो एक स्कूल है हमारे यहाँ सेक्टर 58 में, वहाँ पर 8th क्लास में एक ही साथ पढ़ते थे और वो बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमें उनकी तलाशी के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए लगाई गई। जो प्रारंभिक जांच पड़ताल हुई, अब तक CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं, उनसे ज्ञात हुआ है कि कल की घटना है, कल जब स्कूल छूटा है तो इनके गार्जियन बच्चों को लेने के लिए स्कूल के गेट पर खड़े हुए थे और ये दोनों बच्चे एक साथ, चूंकि पहले परिचित भी हैं, साथी हैं कि क्लास के हैं, तो दोनों मेन गेट से ना आकर पीछे का स्कूल का एक गेट है जहाँ से निकले हैं। CCTV कैमरे में वो दोनों एक साथ ही स्वतः बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। हमारी टीमें आगे की CCTV कैमरे और अन्य स्थानों की तलाश कर रही हैं। 5 टीमें लगाई गई हैं, ACP द्वितीय के नेतृत्व में सारी टीमें कार्य कर रही हैं। हम थाना सेक्टर 58 पर